आज डिस्कस करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक टॉपिक है प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन के प्रोजेक्शंस हम किस किस तरह से ले सकते हैं या किस किस तरह से ड्रा कर सकते हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रेट लाइन होती क्या है? स्ट्रेट लाइन किसी भी दो पॉइंट के बीच का मिनिमम डिस्टेंस होती है। ये है पॉइंट और ये टोटल है लाइन। तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन। तो ये जो लाइन है इसकी हम प्रोजेक्शन आज देखेंगे कि हम किस किस तरह से ड्रा कर सकते हैं। तो हम जनरली फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का यूज़ करते हैं इनको ड्रा करने के लिए। तो फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में होता क्या है? फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के अंदर हमारे पास जो फ्रंट व्यू बनता है वो रेफरेंस लाइन से ऊपर बनता है, ये रेफरेंस लाइन है। और जो टॉप व्यू है वो रेफरेंस लाइन के नीचे बनता है, बिल्कुल इसकी प्रोजेक्शन पे। तो हमें इसमें सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है कि फ्रंट व्यू हमारा ऊपर बनता है और टॉप व्यू हमारा नीचे बनता है। तो देखते हैं हम किस किस तरह से लाइन की प्रोजेक्शन ड्रा कर सकते हैं फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में। हमने यहाँ पे दो प्लेन बनाए हैं। ये है वर्टिकल प्लेन, VP हम इसको बोलेंगे वर्टिकल। ये है हॉरिजॉन्टल प्लेन, इसको हम HP प्लेन बोलेंगे। और ये है रेफरेंस लाइन XY जो इनके बिल्कुल बीच में है। तो देखते हैं कौन कौन से केस हम लेते हैं। सबसे पहले परपेंडिकुलर टू HP एक लाइन है, परपेंडिकुलर टू HP, HP मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन, इसके परपेंडिकुलर है। तो इसके परपेंडिकुलर है मतलब कि इस तरह से आप इसे वर्टिकल प्लेन ले लीजिए इस बोर्ड को, और मेरे हाथ को यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल प्लेन ले लीजिए। तो परपेंडिकुलर टू HP और पैरेलल टू VP इसके परपेंडिकुलर है इस प्लेन के, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो इसके परपेंडिकुलर है। और पैरेलल किसके है? HP के, तो इसके पैरेलल है। परपेंडिकुलर टू HP, पैरेलल टू VP, पैरेलल टू VP के हो गया। ये बोर्ड हमने वर्टिकल प्लेन मान लिया और ये मान लिया हमने हाथ कि हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो लाइन क्या होगी? इस तरह से परपेंडिकुलर VP HP के और पैरेलल VP के। तो लाइन हमारी आएगी इस तरह की, ये लाइन है AB हम इसको बोल देते हैं। अब जब हम इसको फ्रंट से देखेंगे, यहाँ से दोनों पॉइंट्स को हम देखेंगे, तो इसकी प्रोजेक्शन कहाँ पे पड़ेगी? वर्टिकल प्लेन पे, इस पॉइंट की भी वर्टिकल प्लेन पे। तो जो ये प्रोजेक्शन पड़ती है हम इसको बोलते हैं स्मॉल a' और स्मॉल b', इससे हम डिनोट करते हैं। तो ये है प्रोजेक्शन। तो मींस जब हमने सामने से देखा तो फ्रंट व्यू बना वर्टिकल प्लेन पे। तो परपेंडिकुलर टू HP में जो व्यू बनेगा वो इस तरह का बनेगा, a' b', ये लाइन पूरी वर्टिकल प्लेन पे आ जाएगी। लेकिन जब ऊपर से देखेंगे हम इसको, जैसे इस तरह से परपेंडिकुलर थी, जब हम इसको ऊपर से देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा? सिर्फ ये पॉइंट, ऊपर से सिर्फ ये पॉइंट दिखेगा, इसके नीचे बिल्कुल ये पॉइंट है। तो ये दोनों पॉइंट हमें ऊपर से लगेगा कि एक ही पॉइंट है। तो जब इसकी हम प्रोजेक्शन लेंगे ऊपर से, तो इसकी प्रोजेक्शन कहाँ पे पड़ेगी? HP पे। और इसको हम लिखेंगे सिंपल ए, स्मॉल ए और ब्रैकेट बी, कि दोनों ही पॉइंट हमें एक पॉइंट पे नज़र आ रहे हैं। तो ये हमारा बनेगा बिल्कुल इसके नीचे यहाँ पे, जिसको हम लिखेंगे स्मॉल ए और ब्रैकेट में बी। तो पहला केस ये बनता है परपेंडिकुलर टू HP हो और पैरेलल टू VP हो, तो ये हमारा सॉल्यूशन होगा। अगर यही लाइन हमारी, इसको हम इरेज कर देते हैं, यही लाइन हमारी दूसरे केस के अंदर लें, सेकंड केस में। सेकंड केस क्या है? परपेंडिकुलर टू VP पैरेलल टू HP, मींस ये VP प्लेन है जो बोर्ड हमने लिया था, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो परपेंडिकुलर टू VP, इसके परपेंडिकुलर और इसके पैरेलल, देखिए इसके पैरेलल है और इसके परपेंडिकुलर है, तो इस तरह की लाइन। तो यहाँ पे जब हम बनाएंगे तो ये VP हमारा इस तरफ प्लेन है और HP ये है, परपेंडिकुलर टू VP। तो परपेंडिकुलर टू VP मीन्स इस तरह की लाइन आएगी,
इसको हम लिख लेते हैं ए बी, और पैरेलल टू एच पी, एच पी के ये पैरेलल है। तो जब इसका फ्रंट व्यू बनेगा, इधर से हम देखेंगे इसको, तो फ्रंट व्यू हमारा यहाँ पे वी पी पे बनेगा ऊपर की तरफ। हम जब भी ये टॉप व्यू बनाते हैं तो हॉरिजॉन्टल प्लेन को हम 90 डिग्री रोटेट करते हैं, 90 डिग्री, जैसे हमने पीछे वाले में किया, यहाँ पॉइंट पड़े थे तो इसको हम हमेशा 90 डिग्री रोटेट करते हैं, तभी ऊपर आता है फ्रंट व्यू और नीचे आता है टॉप व्यू, जिस तरह इसमें आया था। तो इसके अंदर देखिए, जब हम इस तरफ से देखेंगे तो ए बी यहाँ पे आया, तो ए डैश बी डैश हमारा ये बन गया जो हमारा फ्रंट व्यू है इस तरफ। और जब हम इसको टॉप से देखेंगे तो हमें दो पॉइंट मिलेंगे, ये और ये। तो जब इसकी प्रोजेक्शन एचपी पे पड़ेगी तो ये हमारा बनेगा ए बी, ये वाली लाइन। तो हम इसको 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये लाइन कहाँ जाएगी, नीचे, और ऊपर क्या रह गए, सिर्फ पॉइंट। तो ऊपर हमारे क्या रह गए, सिर्फ पॉइंट, और नीचे क्या आ गई, लाइन, ये वाली लाइन। जब आप इसको इस तरह से रोटेट करेंगे तो ये लाइन, आपको लाइन यहाँ पे दिखेगी, क्योंकि हमें 3D को 2D में कन्वर्ट करना होता है ताकि हम एक पेपर के ऊपर उसको ड्रा कर सकें। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन को हमेशा 90 डिग्री रोटेट करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे क्या है, यहाँ पे लाइन, तो यहाँ इस तरह से आ जाएगी। तो ये बनेगा हमारा दूसरा व्यू, मीन्स परपेंडिकुलर टू वी पी, परपेंडिकुलर टू वी पी, और पैरेलल टू एच पी, पैरेलल टू एच पी, या फिर आप इसको वर्टिकल प्लेन लेते हैं या इसको हॉरिजॉन्टल, तो परपेंडिकुलर टू वी पी और पैरेलल टू एच पी। तो इस तरह का ये बनेगा, ये केस है पैरेलल टू बोथ एच पी एंड वी पी। अगर हमारी लाइन दोनों के पैरेलल हो, एच पी के भी और वी पी के भी, तो हमारा केस किस तरह का बनेगा। तो एक लाइन है इस तरह से, ये है वर्टिकल प्लेन जो बोर्ड है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। अभी जो लाइन है इन दोनों के कहीं बीच में है कि ये इसके भी पैरेलल है और इसके भी पैरेलल है, दोनों के पैरेलल है, वर्टिकल प्लेन के भी पैरेलल और हॉरिजॉन्टल प्लेन के भी पैरेलल। तो कहीं पे बीच में, जिस तरह से ये रेफरेंस लाइन है, इस तरह की एक लाइन कि दोनों के पैरेलल हो वो। तो दोनों के पैरेलल है, सिंपल बात है कि दोनों तरफ लाइन बनेगी। अगर हम फ्रंट से देखेंगे तो हमें ये दो पॉइंट मिलेंगे जो हमें देंगे ए डैश और बी डैश, मीन्स यहाँ पे ए डैश और बी डैश। उसके बाद जब टॉप से देखेंगे तो टॉप से भी हमें दो पॉइंट मिलेंगे क्योंकि ये दोनों के पैरेलल है। तो नीचे जब इसकी प्रोजेक्शन लेंगे इसकी, तो ए बी, तो नीचे भी हमें बिल्कुल इसकी प्रोजेक्शन पे, बिल्कुल इसकी प्रोजेक्शन पे ये लाइन मिलेगी ए बी। तो ये पैरेलल टू बोथ है कि दोनों तरफ हमें लाइन मिलेगी, वर्टिकल पे भी और हॉरिजॉन्टल पे भी। अब हम लेते हैं नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस में क्या है, नेक्स्ट केस है हमारा कि जब जो हमारी लाइन है इनक्लाइन टू एच पी है और पैरेलल टू वी पी है। अब ये एच पी प्लेन है, ये वी पी है। इनक्लाइंड टू एच पी कैसे होगी कि किसी एंगल पे है एच पी से, इससे किसी एंगल पे है, और पैरेलल वी पी के है मतलब पैरेलल वी पी के है, तो एच पी से किसी एंगल पे है। तो यहाँ पे एच पी से किसी एंगल पे है, मान लीजिए इस तरह से है, लेकिन एच पी के पैरेलल है ये और वी पी के, सॉरी, इनक्लाइंड एच पी है, एच पी से इनक्लाइंड है किसी एंगल पे और पैरेलल टू वी पी है। तो मीन्स इस तरह की एक लाइन है, इसके तो पैरेलल है और इसकी इनक्लाइन है इस तरह से, इस तरह से। तो इसका क्या बनेगा, फ्रंट वीपी पे बनेगा और नीचे जो हमारे पॉइंट बनेंगे एक लाइन में। तो फ्रंट जो बनेगा वो एक्चुअल लेंथ मिलने बनेगी जो एंगल पे है, मींस जैसे कि मान लीजिए ये है, तो जो फ्रंट हम इसको देखेंगे तो वीपी पे जो बनेगा बिल्कुल इसी एंगल पे एक लाइन बनेगी, लेकिन जब हम टॉप से देखेंगे तो हमें मिलेगी एक स्ट्रेट लाइन, इस पॉइंट की प्रोजेक्शन और इस पॉइंट की प्रोजेक्शन। तो हमारा किस तरह का व्यू बना, यहाँ पे इस तरह का ए डैश बी डैश, और नीचे जब इसकी प्रोजेक्शन लेंगे तो पॉइंट क्या बने, ए और बी। तो इनक्लाइंड ऐसे होगा एच पी के और पैरेलल टू वी पी के, तो ये केस हमारा बनेगा। लेकिन अगर इसका उल्टा हो, उल्टा मतलब कि जो हमारी लाइन है वो इनक्लाइन टू वी पी हो और
पैरेलल टू एचपी हो। अब देखिए ये एचपी है, ये वीपी है। अब ये वीपी था तो इसके इंक्लाइंड इस तरह से इंक्लाइंड, तो वीपी के इंक्लाइंड लेकिन पैरेलल एचपी के पैरेलल इंक्लाइंड वीपी के, इस प्लेन के जो बोर्ड है इसके इंक्लाइंड। तो हमारा केस कैसा बनेगा, इसके अंदर बिल्कुल इसका उल्टा बनेगा। मीन्स अगर हम ये ड्रा करें तो ये जो लाइन आएगी ये नीचे आएगी इस तरह से ए बी, और अगर इसके ऊपर की बात करें तो ऊपर आएगी स्ट्रेट लाइन ए डैश बी डैश इस तरह से। तो इसमें क्या है, ये बिल्कुल उल्टा है, ये इसके इंक्लाइन होगी इस तरह से, इसके इंक्लाइन होगी और हमारी पैरेलल टू इंक्लाइन टू वीपी होगी और पैरेलल टू एचपी होगी इस तरह से। तो ये जब केस बनेगा तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन नीचे आएगा तो ये इस तरह से घूम जाएगी, और जब फ्रंट हम इसका देखेंगे, मान लीजिए यहाँ पे कहीं है, जब फ्रंट देखेंगे तो हमें मिलेगी इन दोनों पॉइंट्स की इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन, यहाँ स्ट्रेट मिलेगी। और जब ऊपर से देखेंगे यहाँ पे जो इसके एंगल वाली लाइन है कितने इंक्लिनेशन पे है तो वो हमें नीचे मिलेगी, तो ये बिल्कुल इसका उल्टा है। तो इस तरह से जैसे ये इसका उल्टा है, ऊपर लाइन थी इसमें, इसमें नीचे लाइन थी ऊपर पॉइंट था, इसमें ऊपर लाइन थी नीचे पॉइंट था, ये दोनों उल्टे केस हैं। ये तो दोनों लाइन ही बनेंगी पैरेलल टू बोथ में, और ये दोनों उल्टे बनेंगे जब इंक्लाइन टू एच पी है तो ये इंक्लाइन टू वी पी है। ऊपर स्ट्रेट लाइन इसमें है, इसमें नीचे है, ये इंक्लिनेशन नीचे है, इसमें ऊपर है। तो इस तरह से ये हमारा ड्रा होगा प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो ये थी स्ट्रेट लाइन के प्रोजेक्शंस कुछ केस। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल लर्न एंड ग्रो पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।